अभी तक हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, हमने हर तरह के आइसोमेरिज्म देख लिए हैं स्ट्रक्चरल में, जैसे चेन आइसोमर्स क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, पोजिशन आइसोमर्स क्या होता है हम कैसे पहचानते हैं, मेटामर्स क्या होता है हम कैसे पहचानते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होता है, ये सारी चीजें मोटा मोटी हम लोग देख चुके हैं। फिर हमने देखा कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, अगर एक कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो उससे हम नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालते हैं। आज हम लोग उसी टॉपिक को फर्दर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आज हम एंटर करने जा रहे हैं टॉटोमेरिज्म में। टॉटोमेरिज्म का पहले आपको डेफिनेशन बता देते हैं, रेडिली इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर कॉल्ड टॉटोमर्स एंड दिस अकरेंस इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। इस डेफिनेशन को समझेंगे, रेडिली का मतलब बहुत जल्दी जल्दी इंटरकन्वर्टेबल, बहुत जल्दी जल्दी जो आपस में इंटरकन्वर्ट कर लेते हैं, वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को आप क्या बोलते हैं, टॉटोमर्स। और इस अकरेंस को जो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। एग्जांपल आपको देते हैं तो एग्जांपल से आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। CH3 ये कौन सा कंपाउंड है, एसीटोन, प्रोपेनोन, राइट। ये क्या करता है, इंटर कन्वर्ट होता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो जो मैकेनिज्म आपने मोटा मोटी देखा था हाइपर कंजुगेशन में उसी टाइप का है, थोड़ा बहुत आप देखेंगे कंडीशन भी वही है कि डबल बॉन्ड ओ है, हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये चीज निकल के यहाँ पे जाती है, ये इधर आता है, तो फाइनली आपको क्या मिल जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CO, यहां से हाइड्रोजन निकला, ये चीज यहां पे चला गया और ये जैसा का तैसा रह गया। ये हो कैसे रहा है, क्या मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, ये चीज हम बाद में देखेंगे ये कैसे हो रहा है। अभी बस समझेंगे, एक ये स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट करेगा, एक ये स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट करेगा। ये साइन क्या है, इक्विलिब्रियम का साइन है, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, दैट मींस कोई ना कोई इक्विलिब्रियम रीच करेगा, राइट। और ये हमेशा इसमें इंटरकन्वर्ट होता रहेगा, ये हमेशा इसमें इंटरकन्वर्ट होता रहेगा। तो सबसे पहले समझे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो आप खुद देखेंगे ये क्या है, कीटोन ग्रुप है, करेक्ट, सी डबल बॉन्ड ओ, ये कौन सा ग्रुप है, ईन, और ये अल्कोहल, कौन सा ग्रुप हो गया, ईन और, करेक्ट, ये कौन सा ग्रुप हो गया, कीटो ग्रुप हो गया, वो कैसा ग्रुप हो गया, इनॉल ग्रुप हो गया। दैट मींस इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, कैसे आइसोमर्स हैं, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। और थोड़ा डिटेल में जानना चाहे तो इसमें और इसमें किस टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, वेरी दीज टू आर फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप बहुत डिफरेंट है, आप देख सकते हैं ये कीटोन है और ये अल्कोहल, राइट, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये इसके साथ और ये इसके साथ इंटरकन्वर्ट होता रहता है पूरे टाइम, ये रेडिली इंटरकन्वर्टेबल है स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टॉटोमर्स,
फिर से समझेंगे, रेडिली इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो आपस में इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड टॉटोमर्स। तो इन दोनों को आप क्या बोलेंगे, एक दूसरे का टॉटोमर। और ये जो काम हो रहा है, इस पूरे काम होने की क्रिया को आप बोलेंगे टॉटोमेरिज्म, इस अक्रेंस को, इस होने की प्रतिक्रिया को आप बोलेंगे टॉटोमेरिज्म। आई होप टॉटोमेरिज्म का बेसिक क्लियर है, ये क्या होता है ये चीज आप बता सकते हैं, क्लियर है? अब समझते हैं, जैसे हमने यहां पर देखा ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। करेक्ट, ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो इसके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। हमें ये चीज पता चल चुकी है कि दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या थे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने का मतलब प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग होगी, क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट आप ये मेंशन कर सकते हैं, टॉटोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। टॉटोमर्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स हो, फंक्शनल आइसोमर्स हो, इंटरकन्वर्जन हो रहा है, इस उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसको टॉटोमर्स बोलते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आपसे पूछा है तो क्या बोलो, फंक्शनल आइसोमर है। फंक्शनल आइसोमर का क्या प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही। अब पॉइंट ये है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो इन जनरल कभी भी आपको दो चीजें मिले जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो तो आप दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हो, लेकिन वो चीज यहां पर नहीं हो पाएगी। टॉटोमर्स कांट बी सेपरेटेड इजिली बिकॉज दे आर ऑलवेज इंटरकन्वर्ट। जो कीटोन फॉर्म था वो इनॉल फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट होता रहता है, जो इनॉल फॉर्म था वो कीटोन फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट होता रहता है, दोनों एक इक्विलिब्रियम बनाते हैं। इसीलिए इस चीज को सेपरेट आउट करना कंप्लीटली बहुत डिफिकल्ट काम है, ये चीज नहीं हो सकती है, हर टाइम पे एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होता है, इसलिए ये सेपरेट नहीं हो सकता। हाउएवर सेपरेशन ऑफ टॉटोमर्स इज पॉसिबल, टॉटोमर्स को सेपरेट किया जा सकता है बाय यूजिंग स्पेशल टेक्निक। एक अलग सा डिफरेंट मेथड यूज करके आप इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हो, उसमें भी उस मेथड में काम क्या होगा, आप इंटरकन्वर्जन रोक दो। तो इस मेथड में क्या होगा, वे इंटर कन्वर्जन ऑफ टॉटोमर्स इज not allowed।
क्लियर है। तो शुरुआत से फिर से एक बार देखते हैं, टॉटोमर्स के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ये चीज हमें समझ में आ गया। क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि बेसिकली बेसिक डेफिनेशन से जाए तो वो एक दूसरे के क्या थे? स्ट्रक्चरल आइसोमर थे। कैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर? फंक्शनल आइसोमर। दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई। फर्स्ट पॉइंट वही कहना चाह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो रहे हैं इसीलिए सेपरेट नहीं किया जा सकता है, कीटो फॉर्म को अलग नहीं किया जा सकता है इनॉल फॉर्म। सॉल्यूशन में जब भी रहेंगे दोनों ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो, राइट। थर्ड पॉइंट में जाएंगे, अगर आप इंटरकन्वर्जन रोक दें, कोई भी ऐसा टेक्निक यूज करें, क्या टेक्निक है ये आपके सिलेबस का अभी पार्ट नहीं है, लेकिन कोई भी आप टेक्निक यूज करें और इंटर कन्वर्जन अगर रोक दें तो आपका ये काम हो सकता है। जब इंटर कन्वर्जन ही नहीं हो रहा है तो कीटोन का अलग प्रॉपर्टी है, इनॉल का अलग प्रॉपर्टी है, दोनों के अपनी अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग कर लिया आपने, क्लियर है। तो ये था बेसिक ऑफ टॉटोमेरिज्म, क्लियर है। टॉटोमेरिज्म होता क्या है, ये चीज क्लियर है। स्ट्रक्चरल आइसोमर है, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं ऑल द टाइम, रेडिली इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, उनको हम बोलते हैं टॉटोमर्स, क्लियर है। मिटाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन टू शो टॉटोमेरिज्म होने का कंडीशन क्या है। आपको पहले एक पॉइंट में लिखकर बता देते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। द ओनली कंडीशन इज दैट देयर मस्ट बी अ पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होना चाहिए एंड अ हाइड्रोजन एटम एट द कॉन्जुगेटेड पोजिशन। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि आपका एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, कम से कम एक पाई बॉन्ड होना चाहिए और उस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये कॉन्जुगेटेड पोजीशन क्या होता है इस बारे में समझते हैं। मेरे हिसाब से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका हो रखा है तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको पता होगा कि कॉन्जुगेटेड पोजीशन क्या होता है। खैर फिर भी ये आप देख रहे हैं, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, तो देयर मस्ट बी अ पाई बॉन्ड। पहला पॉइंट क्लियर, पाई बॉन्ड का प्रेजेंस होना जरूरी है। अब इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कॉन्जुगेटेड पोजीशन देखेंगे। तो कॉन्जुगेटेड क्या होता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ये वाला कार्बन देखना। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसके बगल वाला कार्बन देखना। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, है। जब इसके पास हाइड्रोजन है तो ये टॉटोमेरिज्म कर सकता है। दिस कार्बन हैज हाइड्रोजन एटम, देयरफॉर इट कैन शो टॉटोमेरिज्म। सिर्फ एक ही कंडीशन है, इतना ही कंडीशन, कोई कंफ्यूजन? यहां पर आप यह भी ध्यान देंगे 99% केसेस में ये जो कॉन्जुगेटेड पोजीशन है, ये जो कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे कार्बन है जिसपे आप हाइड्रोजन देखने का बात कर रहे हैं, ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए।
99% केसेस में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तभी ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर है? बहुत सारी किताब में कॉन्जुगेटेड पोजीशन, एट द कॉन्जुगेटेड पोजीशन, तो बहुत सारे किताबों में कॉन्जुगेट पोजीशन को अल्फा कार्बन भी बोलता है, अल्फा पोजीशन भी बोलता है। तो आपको पता है ये आपका मेन ग्रुप हो गया, इसके बगल वाला कार्बन ही आपका क्या होगा, अल्फा कार्बन। क्लियर है? तो बहुत सारे बुक में अल्फा कार्बन भी लिख रखा होता है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए अल्फा कार्बन। मैं आपको बोल रहा हूं कॉन्जुगेटेड पोजीशन देखने, कॉन्जुगेटेड पोजीशन आपको देखना आता है, हमने जीओसी में रेजोनेंस कर रखा है और उसी के बेसिस पे सारा जीओसी खत्म कर रखा है, राइट? तो आपको कॉन्जुगेटेड पोजीशन देखना आता है, आप कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे देखेंगे, पॉइंट नंबर वन क्या देखेंगे, इस पे हाइड्रोजन है या नहीं है ये देखेंगे आप, और 99% केसेस में आप चेक करेंगे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप एक बार चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे ये आपको अभी एग्जांपल्स में पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है? तो यहां पे जो कॉन्जुगेटेड पोजीशन लिखा है मैंने, वहां पर आप एक और ब्रैकेट में करके डाल सकते हैं अल्फा कार्बन होना चाहिए। तो फिर से इस पॉइंट पे आते हैं, एक ही कंडीशन है, द ओनली कंडीशन इज दैट देयर मस्ट बी अ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो होना कंपलसरी है, पाई बॉन्ड नहीं होगा तो फिर ये काम नहीं हो सकता है, टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता। तो पाई बॉन्ड का होना कंपलसरी है और उसके रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन होगा, उसके रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन होगा या कॉन्जुगेटेड पोजीशन होगा, उस पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अगर ये है तो टॉटोमेरिज्म होगा, अगर ये नहीं है तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। आप अगर आपको अगर ध्यान हो तो अभी हमने कीटो और इनोल का फॉर्म देखा था, उसमें भी हमने क्या किया था, सी डबल बॉन्ड ओ था, ये आपका C डबल बॉन्ड O है, दैट मींस ये पाई बॉन्ड है, करेक्ट? इसका कॉन्जुगेटेड पोजीशन कौन सा हो गया, तो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस कार्बन पे देखेंगे या इस कार्बन पे देखेंगे, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब इस कार्बन पे जिसको आप अल्फा कार्बन भी बोल सकते हैं, अल्फा कार्बन भी बोल सकते हैं, इस कार्बन पे आपको हाइड्रोजन चेक करना है। अगर यहां पे हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म होगा, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमेरिज्म नहीं। क्लियर है? अब आप लोग पूछ सकते हैं सर हाइड्रोजन ही क्यों, ड्यूटेरियम भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ड्यूटेरियम रहेगा तभी टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इस चीज में? अब कुछ एग्जांपल दें, मिटाया जाए। पहला एग्जांपल देख रहे हैं, ये तो आपने देख ही लिया, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस कार्बन पे हाइड्रोजन है तो ये टॉटोमेरिज्म करेगा, करेक्ट? करेगा तो कैसे करेगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, ये बाहर निकला, फॉर्म हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब ये हाइड्रोजन है, ये निकलकर ऑक्सीजन के पास गया, ये फॉर्म कैसे गया, क्या मैकेनिज्म फॉलो हुआ, ये हम लोग थोड़े टाइम में आएंगे। अभी बस आपको बता रहे हैं कि टॉटोमेरिज्म चेक कैसे करना है, किसमें होगा किसमें नहीं होगा। क्लियर है? ये कौन सा फॉर्म था आपको पता है, कीटो फॉर्म था, ये कैसा फॉर्म था, इनॉल फॉर्म था। इसको आप बोल सकते हैं कीटो इनॉल, कीटो और इनॉल के बीच में आपस में इंटर कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए आप बोलेंगे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इसी का सेकंड केस इसी तरह से आप ले सकते हैं। सेकंड केस क्या आ जाएगा, पहले आपको समझा देते हैं।
ये क्या हो गया, इमिनो ग्रुप बोलते हैं, डबल बॉन्ड NH रहे, सिंगल बॉन्ड NH2 रहता है तो अमीनो बोलते थे, डबल बॉन्ड रहेगा तो इमिनो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी देखेंगे आपको पाई बॉन्ड तो दिख रहा है, करेक्ट, पाई बॉन्ड दिख रहा है, पाई बॉन्ड के बाद कॉन्जुगेटेड पोजीशन देखेंगे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये एटम देखना है, यही आपका अल्फा कार्बन हो गया। इस पोजीशन पे देखेंगे क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल है, तो टॉटोमेरिज्म करेगा, बिल्कुल करेगा, कैसे करेगा तो सेम मैकेनिज्म चला दे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गए, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, करेक्ट, बना दे नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन H+ निकलेगा, यहां पर आग जाकर लग जाएगा तो ये NH2 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें, ये हाइड्रोजन जो बाहर निकला, नाइट्रोजन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन आया तो ये हाइड्रोजन जाके नाइट्रोजन पे लग दिया, कोई दिक्कत है इस चीज में, ये इमिनो हो गया, ये क्या हो गया, तो C डबल बॉन्ड C इन NH2 अमीनो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन अमीनो। और इस टॉटोमेरिज्म को क्या बोलेंगे, इमिनो इन अमीनो, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इस चीज में, चेक करने का तरीका क्लियर है, कोई कंफ्यूजन उस चीज में नहीं, मिटाते हैं इस चीज को। और एग्जांपल देते हैं आपके सामने, CH3 ये नाइट्रो ग्रुप है, करेक्ट, यहां पर भी देखें पाई बॉन्ड N डबल बॉन्ड O है, इसमें एक पाई बॉन्ड होगा, इसे कॉन्जुगेट पोजीशन में देखेंगे तो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये कार्बन देखना है, यही आपका अल्फा कार्बन हुआ, क्या इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, देखिए तीन तीन हाइड्रोजन है, सेम मैकेनिज्म फॉलो करें, यहां से इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स उठाकर ले जाएंगे आप नाइट्रोजन पे बगल वाले एटम पे, और जो पाई बॉन्ड था वो तोड़ेंगे, क्या बनेगा आपका, सी एच टू डबल बॉन्ड N O H O, क्लियर है, इसको हम बोलते हैं एसी नाइट्रो, ये नाइट्रो ग्रुप हो गया, वो एसी नाइट्रो हो गया, और इस आइसोम इस टॉटोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रो एसी नाइट्रो, टॉटोमेरिज्म, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, एक बार नोट कर लें आप, मेरे हिसाब से नोट कर लिए, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फाइंड विच ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर will show tautomerism, and also form
टॉटोमर्स। आपको पता करना है जितने भी स्ट्रक्चर में दे रहा हूं उसमें कौन कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको पता चल गया है कौन कौन शो करेगा तो आपको बनाना है उसके टॉटोमर। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। चार क्वेश्चन है आपके सामने, इन चार क्वेश्चन में आपको चेक करना है किसमें किसमें टॉटोमेरिज्म होगा, जिसमें भी टॉटोमेरिज्म हो रहा है उसका टॉटोमर आपको बनाना है। कंडीशन आपको बता ही रखी है, आप आराम से सॉल्व करें, दो मिनट का टाइम ले इसको सॉल्व करें। शुरू करते हैं, सबसे पहला स्ट्रक्चर देखेंगे। इस स्ट्रक्चर की बात करें अगर तो पाई बॉन्ड तो आपको दिख रहा है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड इस कार्बन को देखना है, सिंगल बॉन्ड इस कार्बन को देखना है। क्लियर है, यही कॉन्जुगेटेड पोजीशन हो गया। इस पोजीशन पे हाइड्रोजन है या नहीं है इसको चेक करना है। भाई बिल्कुल है मेरे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ले जाएं, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे ऑक्सीजन के पास जाएंगे, क्या बनेगा भाई? ये बनेगा, कोई कंफ्यूजन? That means one will show tautomerism. कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। Next question पे आते हैं। Next question पे देखेंगे तो double bond, यहां पे pi bond है, ये भी pi bond है, single bond conjugated position, single bond double bond single bond कॉन्जुगेटेड पोजीशन, तो ये भी कॉन्जुगेटेड पोजीशन हो गया, ये भी कॉन्जुगेटेड पोजीशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, दैट मींस टॉटोमेरिज्म तो करेगा, पहला पॉइंट तो क्लियर है मेरा। जब ये टॉटोमेरिज्म करेगा तो आप क्या क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को भी यहां पे डाल सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर बनेगा? एक काम तो आप ये कर सकते हैं, चलिए वो काम कर लिया आपने, उसके बाद आप क्या करें, यहां से भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, देखिए अभी भी कॉन्जुगेशन में ही है पूरा, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहां पे गए, ये पाई इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गए यहां पे गए, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गए यहां पे आए, क्या स्ट्रक्चर बन गया आपका? कोई कंफ्यूजन? तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत? अब कोई शिकारी बच्चा आएगा, वो बोलेगा सर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहां का हाइड्रोजन का है नहीं देखे, तो ये काम नहीं करेंगे, ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसका रीजन है, ये पाई बॉन्ड है, एक और पाई बॉन्ड बना देंगे अगर तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, एसपी हुआ। एसपी क्या होता है? लीनियर होता है, ये कभी लीनियर बना पाएगा? सिक्स मेंबर रिंग है, हेक्सागन है, कितना एंगल होना चाहिए? 109 डिग्री, यहां पर कितना एंगल होना चाहिए? 120 डिग्री, तो 120 डिग्री बना पाएगा कभी? ये तो जब भी बनाएगा क्या, sp कितना होता है 180, यहां पे आपको क्या आ रहा है? नहीं आ रहा 180, तो हाईली एंगल स्ट्रेन, ऐसा नहीं होना चाहेगा। इसीलिए आपको थोड़ी देर पहले कंडीशन बताई थी sp3 होना चाहिए, जो कॉन्जुगेटेड पोजीशन का कार्बन हो वो sp3 हो तो आपका काम हो जाएगा। तो चेक करें, ये कार्बन देखें,
भाई मेरा sp3 आ रहा है ये भी, ये कार्बन देखें sp3 आ रहा है ये भी, तो sp3 sp3 कार्बन आराम से काम कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? तो इस चीज को कहीं पे नोट में करके लिख ही लें कि आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? थर्ड स्ट्रक्चर में आते हैं, थर्ड स्ट्रक्चर में भी सेम काम होगा, डबल बॉन्ड है भाई, कॉन्जुगेट पोजिशन पे एक और डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के बारे में बात करेंगे, यही कॉन्जुगेट पोजिशन का कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैसे करेगा टॉटोमेरिज्म शो? तो करा दे भाई आप, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, इधर भी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करके यहाँ पे गए, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले रिपेल करके, क्या हुआ भाई? फिनॉल बन गया। तो यहां पर तो बिल्कुल होगा, यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बनना चाहेगा, बहुत ज्यादा चाहे, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कॉन्जुगेटेड पोजीशन देखना आ गया, कोई दिक्कत है इस चीज में? यहां पे बात करेंगे, तो यहां पर भी बात करेंगे तो देखेंगे नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है, सेम कंडीशन आ गया मोटा मोटी, तो ये भी करेगा, कंजुगेटेड पोजीशन पे हाइड्रोजन है, जरूरी थोड़ी है कार्बन पे रहे हाइड्रोजन, कोई भी आइटम रहे, आपको क्या बोला मैंने, कंजुगेटेड पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं दी है, क्लियर? तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे जा सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे जा सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे जा सकते हैं, क्या आएगा? क्लियर है? ये भी एरोमेटिक बन गया, ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल है, बनना चाहेगा, कोई कंफ्यूजन इस चीज में? चेक कर सकते हैं। अच्छा यहां पर तो सारे आ गए जो टॉटोमेरिज्म शो करना है। खैर आपको जब क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में सोचने का तरीका आपको क्लियर होना चाहिए, कौन टॉटोमेरिज्म करेगा, कौन टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा, मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन में आपको काफी हद तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक डालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर्स, टॉटोमर्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात करें। तो अभी हम लोगों के सिलेबस में मेजर स्केल पे जो पढ़ना है वो कीटो इनॉल ही पढ़ना है, कीटो फॉर्म और उसका इनॉल फॉर्म, उसके बारे में ही हम बात करें। तो टॉपिक डालेंगे कीटो इनॉल टॉटो मेरिज्म, ठीक है? कीटो फॉर्म कौन सा हुआ, ये हुआ अभी हमने बताया, इनॉल फॉर्म क्या हुआ, दिस इज योर कीटो फॉर्म, दिस इज योर इनॉल फॉर्म, ठीक है? ऐसे तो हम नहीं बता पा रहे हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, बॉन्ड एनर्जी का डेटा निकाला, ठीक है? तो बॉन्ड एनर्जी का डेटा निकाला यूजिंग एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी डेटा फॉर वन एंड टू, बॉन्ड एनर्जी डेटा आपने यूज किया वन और टू के लिए,
तो आपने देखा बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन इज हायर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ, ध्यान रखेंगे एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, दिस इज व्हाट एक्सपेरिमेंटल फैक्टर। तो ये चीज आपको याद रखनी, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो चीज आपको बता रहे हैं एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है वो आपको याद रखना। तो आपको क्लियरली दिख रहा है एक्सपेरिमेंट से कि बॉन्ड एनर्जी फर्स्ट का जो है वो ज्यादा है बॉन्ड एनर्जी सेकेंड का, सबका बॉन्ड एनर्जी जोड़ दिया जाए तो आप बताइए किसको तोड़ना आसान है, कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? भाई वन ज्यादा स्टेबल हुआ, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज्यादा स्टेबल हुआ। क्लियर? देयरफोर वन इज मोर स्टेबल देन टू, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल, मतलब कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल है इनॉल फॉर्म से, इस पॉइंट को याद रखना है। कौन सा पॉइंट है? कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। कभी भी आपको कीटो फॉर्म मिलेगा आप उसको इनॉल फॉर्म से स्टेबल मानेंगे, कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल। एक्सेप्शंस आएंगे लेकिन जब आएंगे तब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन जनरल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल। क्लियर है? कोई दिक्कत? मिटाया जाए इसे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रक्चर। आप अगर देखेंगे तो इसके दो कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस कारण पे देखेंगे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस कारण पे देखेंगे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दैट मींस ये फॉर्म, ये आपको कीटोन तो क्लियरली दिख रहा है कीटो फॉर्म है, तो ये फॉर्म दो तरह से टॉटोमराइज कर सकता है, दो टॉटोमर्स बना सकता है, एक इस हाइड्रोजन को यूज करके एक इस हाइड्रोजन को यूज करके। आपको क्या करना है, दोनों टॉटोमर बनाना है, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं। फ्रॉम ए फ्रॉम बी टॉटोमर टॉटोमर। तो इस स्ट्रक्चर में ए पे जो हाइड्रोजन है वो यूज करके आपको टॉटोमर बनाना है, यहां पर आपको क्या करना है बी पे जो हाइड्रोजन है उसको यूज करके आपको टॉटोमर बनाना है। तो मान लेते हैं यहां पर जो स्ट्रक्चर आया उसको हमने 2 बोला, यहां पर जो स्ट्रक्चर आया उसको हमने 3 बोला। आपका क्वेश्चन है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ 1, 2 एंड। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये नहीं है कि टॉटोमर बनाना है, वो सवाल हो गया, वो हमने सीख लिया। क्वेश्चन क्या है अब, स्टेबिलिटी बताना है। तो मैं आपको अभी ही थोड़ा सा आगाज करा देता हूं कि आपको आने वाले एक दो दिन में जब हम टॉटोमरिज्म को और डिटेल में जानेंगे तो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। तो आपको अगला क्लास जब भी हमारा हो, मोस्ट प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो ही होगा, आपको क्या करना है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिविजन करना है। रेजोनेंस क्या होता है, सारे इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे होता है, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है,
एकदम हल्का हल्का जनरल सी चीजें आपको अगर आती हैं तो आप ये चीज समझ जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन एक बार रीडिंग जरूर मारेंगे, रिविजन जरूर करेंगे। क्लियर है? इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ए से आपको टॉटोमराइज करना है, ए से आप टॉटोमराइज करेंगे अगर, तो यहां का हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यूज किए, ओ पे डाले, ये बाहर निकला तो क्या बनेगा भाई, CH2 OH CH2 CH2 सेकेंड टू स्ट्रक्चर क्लियर है, कोई दिक्कत? थ्री स्ट्रक्चर देखेंगे तो B का हाइड्रोजन यूज करना है, चलिए B का हाइड्रोजन यूज करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, इसको इस कार्बन पे शिफ्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो ये क्या बनेगा, CH3 COH CH CH3। मेरे हिसाब से टॉटोमर बनाना अब भारी काम नहीं है, ये काम आप कर चुके हो, कर लिया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन कीटो फॉर्म है, कौन इनॉल फॉर्म है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है भाई ये तो कीटो है, ये इनॉल है मेरा, ये भी क्या है, इनॉल है। आपको अभी बताया था बॉन्ड एनर्जी के डेटा के हिसाब से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कीटो फॉर्म। तो आप बन रहे कीटो फॉर्म को ज्यादा स्टेबल बना दे, वेरी गुड। तो वन इज मोर स्टेबल, क्यों वन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि कीटो फॉर्म है। टू और थ्री में कंपेयर करना है, तो टू और थ्री में देखेंगे ये भी इनॉल, ये भी इनॉल, OH रेजोनेंस में है, OH रेजोनेंस में है दोनों जगह। उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद आप क्या देखेंगे, किसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूट है। यहां पर दो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, करेक्ट। और आपको पता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वन है, थ्री। तो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, थ्री ग्रेटर देन टू। किस पॉइंट को ध्यान दिया हमने, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल, बाकी सारे फैक्टर सेम है, क्रोमैटिक है नहीं, बाकी आप क्या देखते हैं, रेजोनेंस देखते हैं। तो रेजोनेंस जितना इसमें आ रहा है रेजोनेंस, उतना ही इसमें आ रहा है रेजोनेंस, तो दोनों फैक्टर काम नहीं करेगा। उसके आगे का आपको सीरीज पता है, चेक कर लेंगे। इन जनरल हम तो यही बोलते थे, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्लियर है। तो इसमें कितना ग्रुप जुड़ा हुआ है, वन ग्रुप, इसमें कितना ग्रुप जुड़ा हुआ है, टू ग्रुप, तो इस अल्कीन पे दो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस अल्कीन पे एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कौन है, थ्री, थ्री ज्यादा स्टेबल हुआ, कोई कंफ्यूजन है इस चीज में किसी को भी, इस टाइप के स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ाया जाए। अदर एग्जाम्पल्स और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इस चीज के, पहला लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3। यहां पर भी देखें तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये आपका कॉन्जुगेटेड कार्बन है, इस पोजीशन पे देखें तीन तीन हाइड्रोजन है, टॉटोमेरिज्म करेगा, बिल्कुल करेगा, क्या बनाएगा, बनाकर आप देख सकते हैं CH2 C
OH OCH3 यही बनाएगा। आप अगर ध्यान दें तो ये ग्रुप जो है दोनों में कॉमन हो गया, चेंजेस कहां आ रहे हैं इस वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में, इतने में चेंजेस आ रहे हैं, इतने में चेंजेस आ रहे हैं, इतने के चेंजेस देख के आपको पता है स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना। ये क्या है, कीटोन का डेरिवेटिव है, कीटोन से ही आप इसको लाए हैं। ये क्या है, इनॉल का डेरिवेटिव है, कौन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, कीटोन। तो आप क्या बोलेंगे, ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कहां से आया है, कीटोन से आया है, ये स्ट्रक्चर कहां से आया है, इनॉल से आया है, राइट। सेकंड देखते हैं, यहां पर भी वही चीज होगी, CLCL कॉमन हो गया, आप क्या क्या कंपेयर करेंगे इसे और इसे, ये कहां से आया है, कीटोन से आया है, ये कहां से आया है, इनॉल से आया है, कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, कीटोन फॉर्म मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, कोई दिक्कत, ये इनॉल फॉर्म हो गया, ये कीटो फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, हमाइट, पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन दिए थे हमाइट के बेसिस पे, इसका अगर टॉटोमेरिज्म देखेंगे तो वापस से एक कीटो फॉर्म हो गया, कीटो फॉर्म है, इसका इनॉल फॉर्म बना लेंगे, खुद देखिए ये इनॉल फॉर्म हो गया, ये कीटो फॉर्म है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल होगा, कोई दिक्कत इस चीज में। एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं, जल्दी से फटाक से नोट करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, यहां पर भी देखें इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, पहले का ये क्वेश्चन है, सबसे भारी क्वेश्चन तो ये है कि इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड, काम उतना ही है, आप देखें तो ये भी कीटो फॉर्म है, इसके इधर जो जुड़ा हुआ है वो मेरे काम नहीं आ रहा है, आप इधर से भी आगे बढ़ेंगे तो इसको इग्नोर कर देंगे, इधर से बढ़ रहे हैं तो इसको भी हटाइए, कीटो फॉर्म है, इसका इनॉल बनाइए CH2, क्लियर है, तो कीटो फॉर्म वो इनॉल फॉर्म कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, जाहिर सी बात है कीटो फॉर्म, तो ये मोर स्टेबल ये लेस स्टेबल, कोई कंफ्यूजन। तो आप देख रहे हैं कीटोन जो डेरिवेटिव्स हैं, कीटोन जो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल आ रहे हैं, कैसे पता चला था आपको, एक्सपेरिमेंट के बॉन्ड एनर्जी डेटा। इस पॉइंट को मैंने आपको बोला था याद रखेंगे कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से, ऑलमोस्ट सारे केसेस में, कुछ केसेस को छोड़, क्लियर, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने CH3 सी डबल बॉन्ड O CH2 सी डबल बॉन्ड O CH3,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के एसीटोन था, तो एक हाइड्रोजन हटा के ये ग्रुप जोड़ दिए, इसको हम बोलते हैं अकाइल एसीटोन। ठीक है, तो किसी के भी रेस्पेक्ट में मान लेते हैं इस सी डबल बॉन्ड ओ के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे तो आपको दो पोजीशन मिलेंगे, दो कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन मिलेंगे, एक ये एक ये, दैट मींस आप दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसको हम ए बोल लेते हैं, इसको हम बी बोल लेते हैं। तो फ्रॉम ए कर लीजिए, फ्रॉम बी कर लीजिए, इसको मैंने वन मान लिया, ए से जो आएगा उसको टू मान लेंगे, इसको थ्री मान लेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, कंपेयर द स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। चलिए ट्राई करें, शुरू करते हैं, देखेंगे ए से आपको करना है तो ए में क्या है, यहां पे हाइड्रोजन है, ये सी और एच के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, ये चीज बाहर निकली, क्या बन गया, सी एच टू सी ओ एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री बन गया। यहां पर देखेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है, इस चीज को मैं मिटा लेता हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए हमने, H है, C और H के इलेक्ट्रॉन उठा के यहां पे डाल रहा हूं, ये चीज बाहर निकल रही है, ये बन रहा है, क्या है आपका CH3 COH ये बना आपका। तो मेरे हिसाब से आपके टू और थ्री स्ट्रक्चर तो सही आ गए होंगे, ये इनॉल वन हो गया, ये इनॉल टू हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या करेंगे आप, तो आप बोलेंगे वन ग्रेटर देन थ्री ग्रेटर देन टू, क्योंकि लॉजिक तो हमारा यही बोल रहे हैं, सबसे स्टेबल कौन होगा, अकाइल एसीटोन कीटो फॉर्म, उसके बाद इनॉल फॉर्म में जाएंगे, नहीं, यहीं पर चीजें थोड़ा सा एक्सेप्शनल फॉर्म ले लेती। देखेंगे इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, थ्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, थ्री ये वाला स्ट्रक्चर, उसके बाद वन ये वाला स्ट्रक्चर, उसके बाद टू, इन दोनों में जो नॉर्मल रिलेशन चलता है वो चलतेगा, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, लेकिन थ्री सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों हो गया, तो थ्री सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया उसके पीछे रीजन है, रीजन फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ थ्री, रीजन फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ थ्री क्या क्या है भाई रीजन, तो पहला रीजन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन है ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस क्या करता है स्टेबिलिटी बढ़ाता है, तो यहां पर क्या होगा, पहला एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज प्रेजेंट, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, रेजोनेंस इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट, क्या सिर्फ यही एक रीजन है या कुछ और रीजन, तो आप सोचेंगे यहां पे थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का काम आएगा, जब डबल बॉन्ड यहां पर आया है तो ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा इधर शिफ्ट करेगा, खैर उस पर भी हम नहीं जाते हैं, OH है, कोई दिक्कत, यहां पे जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर। तो सेकेंड पॉइंट, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड
इस फॉर्म। तो थ्री सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि दो एडिशनल चीजें वहां पे काम कर रही हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस तो आपको देखना आता है, वो आपको क्लियरली दिख गया। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में हमने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर भी यहां पे प्रेजेंट है, जिसके वजह से थ्री सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। थ्री स्टेबल हो गया है, उसके बाद नॉर्मल ऑर्डर जो आपका फॉलो करता है, कीटोफॉर्म ज्यादा होगा इनॉल फॉर्म, तो ऑर्डर क्या हो गया 3-1-2। कोई कंफ्यूजन? तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे, इसके इससे डिराइव करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, जो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास में बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। आपको एक बार जाना है, ट्राई करना है इस चीज को, वापस से अपने कॉपी पे खुद से स्ट्रक्चर बनाना है, दिमाग लगाना है और ऑर्डर लिखना है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? एक और क्वेश्चन करते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर ही। ये वही सारे केसेस हैं जो मैं आपको बोल रहा था, एक्सेप्शंस आएंगे जिसमें कीटो फॉर्म विल बी लेस स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, तो ये एक केस था, ये एक एक्सेप्शन हो गया। सेकंड जो केस है वो ये है, चलिए ये ले लेते हैं, दिस इज व्हाट योर कीटो फॉर्म, ठीक है। अब यहां पे इसका इनॉल फॉर्म बनाएंगे, तो इनॉल फॉर्म आपको क्लियरली अब समझ में आ रहा होगा कि आपको यही इसी कार्बन का हाइड्रोजन यूज करना है, इस कार्बन का हाइड्रोजन यूज करेंगे, ये चीज बाहर निकलेगी, तो आपका क्या बन जाएगा, ऑयल बन जाएगा, ये इनॉल फॉर्म हो गया, ठीक है। यहां पे अगर आपको क्लियरली बोला जाए तो ये इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कीटो फॉर्म लेस स्टेबल। रीजन? तो रीजन आपके सामने है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, आपको पता है एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक से। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं, यही एक दो एक्सेप्शंस में आप आराम से अब कोई भी क्वेश्चन प्रोसीड कर सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस? कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपसे ये पूछा जाए कि कौन कौन से आइसोमेरिज्म, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, इस बारे में पूछ रहा हूं आपसे बात, तो आप आराम से कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के टॉटोमर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। स्टेबिलिटी के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इनॉल कंटेंट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं, अगले क्लास में जो हम लोग करेंगे, थोड़ा हम लोग का अगला लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, उसमें हम करेंगे इनॉल कंटेंट के बारे में बात, जैसे कि कोई एक सॉल्यूशन है उसमें इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा हो गया, बहुत सारे स्ट्रक्चर, तो वहां पर बहुत सारी बातें आएंगी जो हम लोग अगले क्लास में इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं, थैंक यू।